वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू ऑल अबाउट। कैसे भी आप लोग, क्या हाल चाल है आप सबके। सो दिस इज मी आदित्य इन आर डेली करंट अफेयर्स शो मंडे टू सैटरडे लाइव। यू कैन वॉच टीएनए एंड बेसिकली वी ऑलवेज फोकस ऑन द बैंकिंग करेंट्स। द बैंकिंग करंट अफेयर्स के ऊपर हमारा काफी अच्छा फोकस होता है ताकि आप लोगों को उनको समझने में कभी कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए चलते हैं आज के सेशन की ओर। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद द मॉर्निंग मोटिवेशन। इन ऑर्डर टू सक्सीड वी मस्ट फर्स्ट बिलीव दैट वी कैन। सबसे पहले सफलता का सबसे पहला जो बोलते हैं ना, सफलता की कुंजी, वो पहला ये होता है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट तो होना चाहिए, अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि हाँ भाई ये काम को हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब आपके माइंड में एक डाउट आता है दैट मे बी आई एल नॉट एबल टू डू दिस, वहां पर फेल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो पहली चीज ये जरूर से रखें कि इफ समवन कैन डू, डेफिनेटली आई कैन डू, व्हाई नॉट मी, व्हाई नॉट मी, ये हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। डेफिनेटली यू विल बी एबल टू गेट सक्सीड। चलिए कोर्स के बारे में बता दूं, एसबीआई पीओ मींस फुल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन बैच हम लेकर आ रहे हैं। 14 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। 10 मॉक ईच सब्जेक्ट, वन फैकल्टी इज गोइंग टू डिस्कस हियर। हर एक फैकल्टी 10 10 मॉक डिस्कस करेगी विथ मी। यू गाइज विल बी डिस्कसिंग 10 मॉक्स ऑफ जी ए जनरल अवेयरनेस, दैट इज एस बी आई पी ओ मीन्स मॉक्स जो होंगे आपके, बढ़िया सेम टू सेम उन्हीं मॉक्स को हम डिस्कस करेंगे क्लासेस में लाइव, प्रॉपर डिस्कशन। सो फॉर मैक्सिमाइज द डिस्काउंट, इफ यू और एनी ऑफ योर फ्रेंड वॉन्ट टू बाय दिस बैच, प्लीज सजेस्ट दैम द कूपन कोड ADITYA आदित्य फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए पहले होमवर्क देख लेते हैं आज के, कल का जो हमारा होमवर्क था उसमें आप लोगों को क्या मिला था। सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम। आपको पता होगा हर एक क्वेश्चन किससे रिलेटेड था सर, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम से रिलेटेड था। सो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज फ्रेम्ड कंबाइनिंग हाउ मेनी अर्लियर ओम्बुड्समैन स्कीम्स, पुरानी कितनी स्कीम्स को कंबाइन करके इसको बनाया जा रहा है। तो आपको पता होगा आंसर कितना था, 3। पुरानी 3 स्कीम्स जो है उनको कंबाइन करके आपका ये ओम्बुड्समैन स्कीम जो है ये बनाया जा रहा है अभी इंटीग्रेटेड। सेकंड है कि इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम विल प्रोवाइड फ्री कॉस्ट फ्री रीएड्रेस ऑफ द कस्टमर कंप्लेन इन्वॉल्विंग डेफिशिएंसी इन द सर्विसेज रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफ इट इज नॉट रिजॉल्व्ड और सेटिस्फेक्शन टू द कस्टमर There is no reply within the period of how many days by the regulated entity. काफी बच्चों का करेक्ट आंसर आया, यहां पर आपका आंसर बन रहा था 30 days। अगर 30 days में बैंक के पास से रिप्लाई नहीं आता है, सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देन उस केस में आप ओम्बुड्समैन को रीच आउट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था आपके पास, इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्लूड द नॉन शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक्स विद द एसेट साइज ऑफ, क्या आंसर था बताएंगे इसका, एसेट साइज ऑफ कितना था। 30 days वहां पर है, व्यारी 1 month नहीं है, 30 days लिखा हुआ है स्कीम में, 30 days है, हमको भी 30 days ही लेकर चलना है, ठीक है। हाँ, एसेट साइज ओवर कितना था यहां पर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपका ज्यूरिडिक्शंस के ऊपर कि कितने ज्यूरिडिक्शंस थे, 50 करोड़ रुपए, बहुत बढ़िया। और ज्यूरिडिक्शंस के ऊपर था कि कितने ज्यूरिडिक्शंस यहां पर आपके इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन बन रहे हैं, बट आंसर्स काफी कम बच्चों के आते हैं अभी भी हर एक बच्चे का आंसर नहीं आता है। यहां पर देखिए जैसे अंबर साहू जी का आंसर आया है 3 स्कीम्स है सर, उन्होंने स्कीम्स के बारे में बताया हुआ है दैट 1949 बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम, दैट इज बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम 2006 रजिस्टर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर एनबीएफसी स्कीम है 2018 इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में है, बहुत बढ़िया डिटेल डिस्कशन था। आफ्टर दैट ओम्बुड्समैन डिजिटल ट्रांजेक्शन स्कीम 2019 अकॉर्डिंग टू पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, बढ़िया बड़ा बहुत ही सटीक आंसर लग रहा था इनका अंबर का। आफ्टर दैट 30 days का ड्यूरेशन था, 50 करोड़ एंड अबव ओनली वन ज्यूरिडिक्शन, अलग अलग नहीं रखा हुआ है, कंबाइंड रखा हुआ है, दैट इज सेंट्रल रिसिप्ट प्रोसेसिंग सेंटर RBI चंडीगढ़। तो बहुत बढ़िया डिटेल में आंसर था। अच्छा, प्रियंका जी ने यहां पर एक और चीज ऐड कर दी थी, उसको देख लेना, 1-444-8 ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, तो ये इन्होंने शेयर किया, इवन आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस टाइप ऑफ हेल्पलाइन नंबर इज अवेलेबल, तो इन्होंने यहां पर इसको शेयर किया हुआ है।
गगन प्रसाद जी के भी आंसर सही थे, आंसर ये सारे करेक्ट थे, बट बहुत डिटेल में मुझको अंबर का आंसर बहुत सही लगा कि बहुत डिटेल में उन्होंने बताया हर एक पॉइंट के बारे में। चलिए अभी क्या करते हैं, एमसीक्यू रिवीजन कर लेते हैं क्विकली। आज बच्चे कम ही रहेंगे बिकॉज देयर इज अ एग्जाम टुडे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी थिंक दैट ओ ऑन एग्जामिनेशन डेट लेट्स लीव द करंट अफेयर शो, नहीं करते हैं आज। फिर मैं सोचता हूँ यार कर लो, मे बी दैट स्टूडेंट्स विल कम लेटर एंड वॉच दिस सेशन। हो सकता है शाम को एग्जाम देने के बाद सारे बच्चे लौटे और फिर ढूंढे कि आज का टीएनए कहाँ है, तो इसीलिए मैंने सोचा नहीं टीएनए को अब गैप नहीं करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो इसीलिए सैटरडे को भी मैं लाइव हूँ आप लोगों के साथ। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की के प्रेसिडेंट के फॉर्म में सर अभी रिसेंटली किसको अपॉइंट किया गया है, फिक्की के प्रेसिडेंट के फॉर्म में किसको अपॉइंट किया गया है, संजीव मेहता जी। वेरी गुड, संजीव मेहता जी फिक्की के प्रेसिडेंट हैं। दिलीप चिनॉय सर ये सेक्रेटरी जनरल हैं, ये सेक्रेटरी जनरल हैं। अरुण चावला जी जो हैं ये डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, अरुण चावला डायरेक्टर जनरल है। आफ्टर दैट अरुण मिश्रा सर जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है। विवेक जोरी जी को अपॉइंट किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की ये चेयरपर्सन है, इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट सिडबी एस रमन है, सेबी अजय त्यागी, नाबार्ड चिंताला गोविंदा राजलू, एनएचआरसी डिस्कस कर लिया, यूडीआई के सौरभ गर्ग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स बी महापात्रा और विवेक जौहरी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये सारे पॉइंट्स हमारे पास हो गए एक रिवीजन के फॉर्म में क्विक। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ फ्लिपकार्ट टू ऑफर एन इंस्टेंट एंड डिजिटल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 25 लाख रुपए। ये डेटा याद रखना, अप टू 25 लाख रुपए टू द इंडिविजुअल सेलर्स बिजनेसेस रजिस्टर्ड ऑन द फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट पर जो रजिस्टर्ड सेलर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको 25 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए भी रिसेंटली किस बैंक ने कोलॉबरेट किया है फ्लिपकार्ट के साथ। तो आपका यहां पर आंसर बन रहा है कौन सा बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक ने कोलॉबरेट किया है फ्लिपकार्ट के साथ अभी रिसेंटली टू प्रोवाइड द ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अप टू 25 लाख। ओवरड्राफ्ट क्या होता है सर, इट इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा विड्रॉल फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक विदाउट एनी कोलेटरल। किसी भी कोलेटरल के बिना बैंक क्या करता है, आपको एक लिमिट दे देता है कि इतना पैसा आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन द अमाउंट विच इज विड्रॉल बाय द कंज्यूमर और कस्टमर। 1995 में आईसीआईसीआई बैंक बना, संदीप बख्शी जी एमडी सीईओ हैं, जी सी चतुर्वेदी सर जो है वो इसके चेयरपर्सन है, हम है ना, ख्याल आपका टैगलाइन है आईसीआईसीआई बैंक्स की। आईसीआईसीआई बैंक ने रिसेंटली मर्चेंट स्टैक फैसिलिटी भी लॉन्च किया था, फोन पे के साथ कोलॉबरेट किया है फॉर फास्टैग यूजिंग यूपीआई, तो फोन पे के साथ कोलॉबरेट किया था। उसके बाद कॉमन पेमेंट कार्ड सिस्टम विथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन एंड ग्रेटर चेन्नई स्मार्ट सिटीज। तो आपका जो आईसीआईसीआई का कार्ड है वो आपका ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन और ग्रेटर चेन्नई स्मार्ट सिटी लिमिटेड की जो फैसिलिटीज उसमें भी काम करेगा, इस तरीके का उन्होंने कॉमन कार्ड लॉन्च किया था। फ्लिपकार्ट कोलॉबरेटेड विद द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड फॉर द ग्रुप सेफ इंश्योरेंस प्लान, कि फ्लिपकार्ट के ऊपर आप इंश्योरेंस पॉलिसीज को सेल कर सकते हैं। सॉरी थोड़ा गले में दिक्कत है आज मुझको। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हैज लॉन्च्ड कॉरपोरेट इंडिया रिस्क इंडेक्स, इन्होंने लॉन्च किया था, इंडिया फर्स्ट कॉर्पोरेट रिस्क इंडेक्स वॉज लॉन्च्ड बाय विच इंश्योरेंस फॉर्म, इट कैन बी अ क्वेश्चन। सो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लॉन्च किया था। इंस्टा एफएक्स फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक एज अ प्रीपेड कार्ड दैट इज अ फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड, फॉरेन करेंसी से प्रीलोडेड कार्ड जो होगा वो आपका इंस्टा एफएक्स था। एफएक्स फॉर यू, काफी दिन हो गए रिप्लाई हम लोगों ने रिवाइज नहीं किया, एफएक्स फॉर यू ये किसने लॉन्च किया था सर, एफएक्स फॉर यू किस किस बैंक ने लॉन्च किया था। बस बस क्लास के बाद पी लूंगा हल्दी दूध। हाँ, एफएक्स फॉर यू किस बैंक ने लॉन्च किया था ये याद होगा तो बताइएगा, और क्या था, किससे रिलेटेड था। जैसे इंस्टा एफएक्स आपका जो है ये फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है, एक्चुअली फॉरेक्स
फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड है, कैनरा है, ठीक है। अच्छा, एफएक्स फॉर यू था क्या, ये याद होगा अगर आप लोगों को। कैनरा ने लॉन्च किया, ठीक है, था क्या एफएक्स फॉर यू, उसके बारे में बताइएगा। आईसीआईसीआई बैंक नियो भारत रोल पेरोल कार्ड एंड पॉकेट डिजिटल वॉलेट फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड बाय आईसीआईसीआई बैंक एंड आरबीआई इम्पोज 3 करोड़ रुपी पेनाल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक फॉर शिफ्टिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम वन कैटेगरी टू अनदर कैटेगरी। इसका मतलब ये होता है, एक तरीके से आपको चाय बोलकर कॉफी पिला दी गई, ठीक है, आपसे बोला गया टेक अ, व्हाट डू यू वांट, यू सेड आई वांट अ कप ऑफ टी, और आपको पकड़ा दिया गया कॉफी कि दिस इज द कप ऑफ टी। तो दिस इज व्हाट आईसीआईसीआई बैंक हैज डन विद द कंज्यूमर्स, कस्टमर्स। उनको इन्वेस्टमेंट करना था बॉन्ड्स में, उनका इन्वेस्टमेंट कर दिया गया डिवेंचर्स में, ठीक है। तो इस तरीके से उसके ऊपर फॉरेक्स रेमिटेंस के लिए था एफएक्स फॉर यू, करेक्ट है, वेरी गुड। सो फॉरेक्स रेमिटेंस के लिए था। नेक्स्ट है, विच जूनियर हॉकी टीम हैज वॉन 12th मेंस एफआईएच जूनियर्स हॉकी वर्ल्ड कप हेल्ड इन भुवनेश्वर उड़ीसा इन 2021। तो करेक्ट आंसर है आपके पास अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने रिसेंटली जीता है 12th एडिशन ऑफ मेंस एफआईएच जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, जो कहां पर कंडक्ट हुआ था, भुवनेश्वर उड़ीसा में कंडक्ट हुआ है। तो जो रनर अप था, मतलब जो सेकंड पोजीशन पर रहा, दैट वाज जर्मनी। इसके बाद आपके पास सेकंड नंबर पर रहा, थर्ड नंबर पर था आपके पास फ्रांस, फ्रांस वाज ऑन थर्ड नंबर, एंड इंडिया वॉज ऑन फोर्थ। इंडिया का नंबर रहा है सर इसमें फोर्थ, फोर्थ नंबर पे रहा है इंडिया। तो ये आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ मैंने आपको यहां पर बता दिए। भुवनेश्वर इज द फर्स्ट सिटी टू गेट 100% वैक्सीनेटेड, वेरी गुड। तो ये डिटेल एंड ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज अवार्ड्स प्रॉपरली, हमने कई बार डिस्कस कर लिया इसके बारे में डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज साइंड एमओयू विथ केंद्रीय सैनिक बोर्ड टू सपोर्ट एजुकेट द चिल्ड्रंस ऑफ वॉर वेटरन्स, एक्स सर्विसमैन, वॉर विडोज, वॉर विडोज। तो इनमें से किस बैंक ने अभी रिसेंटली कोलॉबरेट किया है। मैं आज बिल्कुल न्यूज की तरफ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव कर रहा हूं। आई विल ट्राई टू डिस्कस द न्यूज एज सून एज पॉसिबल, कि 8:35 8:40 के पहले आपका सेशन आज वाइंड अप कर दूंगा। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली कोलॉबरेट किया केंद्रीय सैनिक बोर्ड सपोर्ट के साथ टू एजुकेट द चिल्ड्रंस ऑफ आर्मी में, दोज हु लॉस्ट देयर लाइफ ऑन द फील्ड टू सेव आर कंट्री। 1,000 रुपी पर मंथ सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द किड्स ऑफ सच ब्रेव पीपल एंड बैंक हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड 10 करोड़ रुपी टू आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे फंड। दिस डे इज ऑब्जर्व ऑन 7th ऑफ दिसंबर एवरी ईयर। एसबीआई वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1955। एक क्वेश्चन है, एसबीआई इज अ नेशनलाइज बैंक और नॉट, क्या आंसर करोगे अगर आप लोगों से पूछा जाता है इंटरव्यू में, एसबीआई इज अ नेशनलाइज बैंक और नॉट, क्या आंसर करोगे, यस और नो। सो विच बैंक इज कोलॉबरेटेड विद द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च रुपए ऑन द गो, ऑन द गो कॉन्टेक्टलेस वियरेबल की चेन डेबिट कार्ड फॉर द कंज्यूमर्स। एसबीआई के लिए लिख रहे हैं यस 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 यस, नेशनलाइज्ड है बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट एक्ट, एक्ट इज डिफरेंट। सो एसबीआई इज नेशनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1955, दैट इज कॉल्ड एसबीआई एक्ट 1955। चलिए, तो हमने कीचेन के बारे में कल डिस्कस किया था इन डिटेल, दैट दिस टाइप ऑफ कीचेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ विच यू और एनी वन हु विल बी एबल टू फाइंड दिस कीचेन फ्रॉम योर पॉकेट विल बी एबल टू मेक द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ दिस की चेन। मतलब बस टैप करना है, 5,000 अप टू 5,000 रुपी पेमेंट विल बी डन विदाउट एंटरिंग पिन कार्ड। किसने लॉन्च किया है, सिटी यूनियन बैंक ने लॉन्च किया है इसको। सिटी यूनियन बैंक, इनका हेडक्वार्टर जो है कुंबाकोनम में लोकेटेड है। स्टेट बताएगा कोई इन विच स्टेट इट इज लोकेटेड। सो एन कामाकोडी इज द सीईओ ऑफ बैंक। 1904 में बैंक बना था सर। अरे मेरे पास नहीं है मेरे भाई ऐसे कीचेन वगैरह, और कीचेन रहेगा भी तो क्या है, अकाउंट में पैसे भी तो होने चाहिए। तमिलनाडु है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच टेनिस टीम हैज वॉन द डेविस कप टूर्नामेंट 2021 हेल्ड इन मैड्रिड। तो मैड्रिड में अभी रिसेंटली डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है,
सो इन दीज ऑफ द फॉलोइंग विच कंट्री वॉन इट? सो डेविस कप वॉन हुआ है रशिया. अच्छा, अब रशिया कैसे जीता है? तो मेदवेदेव डिफीटेड मैरिन क्लिक एंड वॉन दिस टूर्नामेंट फॉर रशिया. तो रशिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन कर रहा था सर? मेदवेदेव जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे थे रशिया की तरफ से, एंड ही वॉन दिस टूर्नामेंट, एंड आफ्टर दैट इट वॉज अनाउंस दैट रशिया वॉन. नेक्स्ट, अरे डायरेक्टली आंसर पे मूव कर गया. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे? तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे का थीम है एडवांसिंग इनोवेशन ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट, एंड 7th ऑफ दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल, टू रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एविएशन टू द सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड. एक दूसरे से इतने फास्टली हम जो कनेक्टेड है वो एविएशन के कारण ही. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, फर्स्ट न्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड रिसेंटली गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक. तो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक के फॉर्म में इनको अप्रूव कर दिया गया ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक? कैसा, क्या मीनिंग है सर शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक का? द बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन द सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट दैट बैंक्स आर कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक. क्या डिफरेंस है शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड में? शेड्यूल्ड बैंक्स आर एबल टू टेक द बैंकिंग फैसिलिटीज फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इफ दे वॉन्ट टू बोरो लोन ऑन रेपो रेट, इफ दे वॉन्ट टू बोरो लोन ऑन बैंक रेट, इफ दे वॉन्ट टू टेक फैसिलिटी ऑफ MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर अ बैंक. इफ द बैंक वॉन्ट टू डिपॉजिट मनी इन RBI ऑन रिवर्स रेपो रेट, सो बैंक कैन डू दैट ऑल्सो. बैंक कैन पार्टिसिपेट इन दीज रेपोज ऑपरेशन, इन सारे ऑपरेशन में बैंक पार्टिसिपेट कर सकता है इफ द बैंक इज शेड्यूल्ड. इफ द बैंक इज नॉन शेड्यूल्ड दे कांट पार्टिसिपेट इन ऑल दीज. तो आपका एक तरीके से आप ये मान लो कि बैंक का ग्रोथ रुक जाता है अंटिल अनलेस बैंक इज नॉट शेड्यूल्ड. उनके पास एक इमरजेंसी फंड का ऑप्शन नहीं है, ये सारी चीजें बैंक के पास नहीं होती, तो ये एक बड़ा इश्यू होता है बैंक के साथ. क्लियर है यहां तक का पॉइंट? क्लियर है. चलिए, तो अभी रिसेंटली किस बैंक को इंक्लूड किया गया है? पेटीएम पेमेंट बैंक को इंक्लूड किया गया है. कैन यू गाइस टेल मी दैट पेमेंट बैंक में PSL का लिमिट कितना होता है? व्हाट इज दैट PSL टारगेट फॉर अ पेमेंट बैंक? PSL का टारगेट पेमेंट बैंक के लिए कितना रखा हुआ है सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग गाइस. कल से कोशिश करें, कल से नहीं मतलब मंडे से कोशिश करें कि 8 बजे ज्वाइन करें मुझको, बिल्कुल टाइम पर. तो अभी रिसेंटली आप देखिएगा तो पेटीएम है, फिनो है एंड इंडियन पोस्ट है, इन तीनों बैंक को इंक्लूड किया गया है सेकंड शेड्यूल में. चलिए, तो करेक्ट आंसर है PSL का टारगेट होता है 0%. व्हाई? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PSL? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग. एंड व्हाट इज द लेंडिंग टारगेट ऑफ अ पेमेंट बैंक? सो पेमेंट बैंक कांट प्रोवाइड लोन, दे कांट लेंड मनी. व्हेन दे कांट लेंड मनी देयर कैन नॉट बी एनी लेंडिंग टारगेट फॉर देम ऑल्सो, तो लोन दे ही नहीं सकते. पेटीएम पेमेंट बैंक 2015 में स्टार्ट हुआ, नोएडा इनका हेडक्वार्टर है, विजय शेखर शर्मा इसके CEO हैं सर. जी बिल्कुल सही है. अच्छा, अभी डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं पेमेंट बैंक? एक लास्ट क्वेश्चन बता दें मैं जब तक यहां पर पेटीएम की डिटेल आपके साथ, सिर्फ 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली इंपोज द पेनाल्टी ऑफ 1 करोड़ रुपी ऑन पेटीएम पेमेंट बैंक ऑन द वॉयलेशन ऑफ सेक्शन 26 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट. सेकेंड, यहां पर पेटीएम मनी ने अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लॉन्च किया था HNI के लिए, हाई नेट इंडिविजुअल्स के लिए. पेटीएम पेमेंट बैंक स्टार्टेड फर्स्ट फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग स्टेशन इन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन इन न्यू दिल्ली, एंड पेमेंट बैंक रिसेंटली गॉट अप्रूव्ड एज अ शेड्यूल्ड बैंक इन इंडिया. जी, डिपॉजिट के बारे में मैंने पूछा सर, डिपॉजिट के बारे में पूछा मैंने. विजय शेखर शर्मा CEO है, करेक्ट है कार्तिक, करेक्ट है. विजय शेखर शर्मा CEO है, हो सकता है वो CEO की जगह चेयरपर्सन लिख गया हो, और 2 लाख रुपए डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते. चलिए, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में
बायजू ने अपॉइंट किया अभी रिसेंटली, बड़ा अपॉइंटमेंट है, बायजू ने अपॉइंट किया है नीरज चोपड़ा पीवी सिंधु जी को एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द डिज्नी बायजू अर्ली लर्निंग ऐप। तो जो बायजू की ऐप है एवरीवन नोज दैट ऐप, और पहले शाहरुख खान एडवर्टाइजमेंट करते थे इसका, आप लोगों को याद होगा शाहरुख खान वॉज एंडोर्सिंग द बायजू। सो अब यहां पर बिल्कुल बढ़िया जो एक रोल मॉडल हो सकते हैं, बेस्ट रोल मॉडल इन इंडिया फॉर द बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज नीरज चोपड़ा एंड पीवी सिंधु, इनको एक्वायर किया है सर, इनको लिया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर, एंड नाउ दे विल बी डूइंग द एंडोर्समेंट फॉर द ऐप इन द एज बिटवीन 6 to 8 years। 2011 में कंपनी का फॉर्मेशन हुआ था। नाउ इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एड्यूटेक कंपनी, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजुकेशन और टेक कंपनी ये बन गई, एजुकेशन प्लस टेक जिसको बोलते हैं, एड्यूटेक कंपनी बन गई है बायजू। बायजू रविंद्रन इसके फाउंडर हैं, बेंगलुरु कर्नाटका इनका हेडक्वार्टर है सर, बेंगलुरु हेडक्वार्टर है इनका, ठीक है। 7th ऑफ अगस्त जो है वो आपका नेशनल जेवलिन थ्रो डे है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो यहां पर आपके पास लिस्ट है सेंचुरी एलईडी मैगेट रेंज के लिए, सौरभ गांगुली सर को भी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, गूवी अपॉइंटेड, स्मृति मंधाना एज द ब्रांड एम्बेसडर, अरुणाचल प्रदेश ने संजय दत्त जी को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है, यूनेस्को अपॉइंटेड कल्चरल क्रिएटिव इंडस्ट्रीज एम्बेसडर ऑफ यूनेस्को नोमोई कावासे, मैंने इनके बारे में बताया था, जापान की हैं और ये मूवी डायरेक्टर हैं जापान में। किराना कैपिटल अपॉइंटेड रविन जडेजा एज द ब्रांड एम्बेसडर, यूनिक्स जसप्रीत बुमराह एंड पीरामल रियलिटी ने फरहान अख्तर और राहुल द्रविड़, कल ही हमने डिस्कस किया था, इन लोगों को भी अपॉइंट किया एज द ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। बायजू डिज्नी उनका कोलाबोरेशन है, बायजू का डिज्नी के साथ कोलाबोरेशन है, तो डिज्नी के एनिमेशंस यूज होते हैं बायजू में, या बायजू इज अ इंडियन कंपनी, बायजू इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, इट इज अ इंडियन कंपनी। नेशनल स्टेट इन न्यूज की तरफ पहला न्यूज, फॉर्च्यून इंडिया नॉट वर्ल्ड, फॉर्च्यून इंडिया रिलीजेस द लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया इन 2021, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया 2021। सो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ताई निर्मला सीतारमन जी इज द मोस्ट पावरफुल वुमेन इन इंडिया, सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर जो है वो है निर्मला सीतारमन जी, सेकेंड नंबर नीता अंबानी, सेकेंड नंबर इट इज नीता अंबानी, रिलायंस फाउंडेशन चेयरपर्सन है और गुडविल एम्बेसडर है ये रिलायंस फाउंडेशन की। सौम्या स्वामीनाथन चीफ साइंटिस्ट WHO, थर्ड नंबर, आई फील लाइक दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा अनऑब्वियस टाइप का नाम है जो कि आपको याद रखना जरूरी है। तो सौम्या स्वामीनाथन जी जो है ये चीफ साइंटिस्ट हैं WHO, ये थर्ड पावरफुल वुमेन। फोर्थ किरण मजुमदार शॉ, एवरीवन नोज द नेम, एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बायोकॉन, एंड सुचित्रा एला को फाउंडर ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, फिफ्थ नंबर पर ये हैं। तो ये आपके पास टॉप 5 हो गए। अच्छा अभी हमने एक और डेटा डिस्कस किया था, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन 2021, वर्ल्ड 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन में निर्मला सीतारमन वॉज रैंक 37, इनका रैंक क्या था सर, 37 था, ठीक है 37 था। हाँ नवीन 37th रैंक है, लास्ट ईयर द रैंक वॉज 41, दिस ईयर इट इज 37। फाल्गुनी नायर रैंक 88, रोशनी नादर रैंक 52 एंड किरण मजुमदार सौ रैंक 72। तो ये चार महिलाएं थीं जिनकी रैंक यहां पर आ गई है, ठीक है ये रैंक आ गई यहां पर। अरे ये यहां पर तो एज लिखी हुई है, ये तो एज लिखी हुई है यार, अब ये क्यों लिखी है तो वो छोड़ दो, बट लिखी हुई है, वो एज है, वो काम की नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी।
सो मैकेंजी स्कॉट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वन ऑफ द प्रमोटर ऑफ एमेजॉन। तो हाँ, यूएसए की है, एमेजॉन की एक प्रमोटर है ये। मीन्स शी इज द एक्स वाइफ ऑफ, क्या नाम है यार, मैं नाम कैसे भूल जाता हूं, जेफ बेजो। ये एक्स वाइफ है जेफ बेजो की, और एमेजॉन में इनका अप्रोक्सीमेटली 4% का स्टॉक है आउट ऑफ 100%। 4% मीन्स बिलियन ट्रिलियंस ऑफ रुपी, इतना पैसा है। तो ये सबसे पावरफुल, सेकंड नंबर पर कमला हैरिस है, थर्ड क्रिस्टीन लगाड़े। फर्स्ट थ्री भी याद रखेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक, नेक्स्ट वन। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड द कंटिन्यूशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को आगे बढ़ाने के लिए अप्रूवल मिल गया है सर, कैबिनेट की तरफ से। नाउ इट विल बी रनिंग बियॉन्ड मार्च 2021 टिल मार्च 2024। वैसे तो हाउसिंग फॉर ऑल 2022 टारगेट रखा गया था 2024 तक के लिए, अब इसको क्या किया जा रहा है, एक्सटेंड किया जा रहा है मार्च 2021 से लेकर मार्च 2024 तक, अब इसको रन किया जाएगा। सो अंडर दिस द फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग 155.75 लाख हाउसेस विद इन द टोटल टारगेट ऑफ 2.95 करोड़ हाउसेस बनाने का जो टारगेट रखा था। नाउ फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिमेनिंग हाउसेस 2,17,257 करोड़ रुपी, 2.17 लाख करोड़ रुपी इज द बजट एलोकेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कितना पैसा लगेगा, आउट ऑफ विच 1.25 विल बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अप्रोक्सीमेटली 74,000 और 73,500 विल बी द शेयर ऑफ स्टेट। तो ये स्टेट वगैरह का शेयर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये वाला डेटा याद रखना पड़ेगा दैट 2.17 लाख करोड़ इज द बजट एलोकेशन फॉर इट, और इसको एक्सटेंड कर दिया गया मार्च 2024 तक के लिए, मार्च 2024 तक के लिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यूज है, चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी लॉन्च्ड मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम इन देहरादून। तो देहरादून उत्तराखंड में जो पुष्कर सिंह धामी है, इन्होंने लॉन्च किया अभी मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम। क्या है ये स्कीम? इन उत्तराखंड इफ यू वांट टू ओपन मिल्क सेल सेंटर, जैसे होते हैं ना हमारे अमूल का सेंटर है या फिर सांची का सेंटर है, यहाँ बेंगलुरु में नंदिनी के सेंटर्स होते हैं तो नंदिनी सेंटर है, तो दिस टाइप ऑफ सेंटर इफ यू वॉन्ट टू ओपन इन उत्तराखंड यू विल बी गेट इंसेंटिव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। सो स्टेट गवर्नमेंट इज टारगेटिंग 53,000 पीपल, इनको बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट टारगेट स्पेंड ऑफ 444.62 करोड़ रुपी टू ओपन 500 मिल्क सेल सेंटर्स इन उत्तराखंड। इतना पैसा खर्च किया जाएगा 500 मिल्क सेंटर्स, सेल सेंटर्स को उत्तराखंड में ओपन करने के लिए सर। द अमाउंट विल बी गिवन विद द हेल्प ऑफ डीबीटी, डीबीटी के थ्रू इनको अमाउंट मिल जाएगा। और देहरादून इज द विंटर कैपिटल, गैरसैंण इज द समर कैपिटल। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर है वहां के, पुष्कर सिंह धामी इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट टुडे, आज के दिन वो चीफ मिनिस्टर है। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड बिकेम इज द प्लेस विद द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बॉटनिकल गार्डन कॉल्ड शिवालिक आर्बोरियम। शिवालिक आर्बोरियम कहां पर लोकेटेड है? तो नैनीताल उत्तराखंड में है। फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क नैनीताल, फर्स्ट मॉस गार्डन नैनीताल, आईटीबीपी स्टार्टेड वाटर स्पोर्ट्स एडवेंचर नियर तेहरी डैम रिजर्वियर ऑफ उत्तराखंड एंड माना विलेज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। इंडियाज हाईएस्ट हर्बल पार्क, सबसे ऊंचाई पर स्थित जो हर्बल पार्क है इंडिया का, वो आपका कहां पर बना सर? वो भी उत्तराखंड में। फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्टार्टेड वेयर? स्टार्टेड इन उत्तराखंड। ग्रास कंजर्वेशन सेंटर, इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर स्टार्टेड वेयर? रानीखेत उत्तराखंड। एंड नाउ मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम देहरादून। ये सब पूरे के पूरे पॉइंट आपके जो हो गए उत्तराखंड से रिलेटेड हैं।
ठीक है, यहां तक का पॉइंट क्लियर है? काफी सारे पॉइंट्स, यस, लॉट्स ऑफ पार्क, लॉट्स ऑफ प्लेसेस, उत्तराखंड सारा नेचर और ब्यूटी से भरा हुआ प्लेस। भारतीय रिटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया, द नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, लॉन्च्ड एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज फॉर द स्टार्टअप्स टू डेवलप द सॉल्यूशन इन 5G IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा आसानी समझाने की कोशिश करता हूं। भारतीय एयरटेल ने कोलैबोरेट किया है इन्वेस्ट इंडिया के साथ। स्टार्टअप्स के सामने टारगेट रखा जाएगा, दे विल बी गिविंग टारगेट टू द स्टार्टअप, चैलेंज टू द स्टार्टअप दैट आर यू एबल टू रिजॉल्व द इश्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 5G विथ IoT फैसिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग फैसिलिटी। IoT समझते होंगे आप लोग, गूगल प्ले दिस सॉन्ग फॉर मी, अलेक्सा डू दिस फॉर मी, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, पानी बंद कर दो, नल चालू कर दो, सब करवाते हैं लोग आजकल अलेक्सा से। सो दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ IoT। नाउ द कोलॉबरेशन ऑफ 5G एंड IoT, इसको साथ में लाने के लिए चैलेंज रखा जा रहा है बाय द एयरटेल एंड स्टार्टअप इंडिया, सॉरी इन्वेस्ट इंडिया, बाय द एयरटेल एंड इन्वेस्ट इंडिया। इसको नाम दिया गया एयरटेल इंडिया स्टार्टअप इनोवेशन चैलेंज। 1995 में एयरटेल बना था सर। हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सुनील भारती सर इसके चेयरपर्सन है, एमडी एंड सीईओ है मित्तल गोपाल विट्ठल सर। यहां तक का पॉइंट क्लियर? यहां तक का पॉइंट क्लियर? चलिए, तो इसी टाइप के कोलॉबरेशन जो हुए हैं उनके बारे में बता देता हूं। भारतीय एयरटेल कोलॉबरेटेड विथ टाटा ग्रुप। भारतीय एयरटेल ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था? टाटा ग्रुप के साथ, फॉर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5G नेटवर्क सॉल्यूशन इन इंडिया। अगेन, भारतीय एयरटेल कोलैबोरेटेड विद क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज, इनके साथ भी कोलैबोरेट किया था फॉर द एक्सीलरेटिंग 5G इन इंडिया। इंडिया में और ज्यादा स्पीड से 5G को इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ कोलैबोरेट किया है। तो टाटा एंड क्वालकॉम कोलैबोरेटेड विथ भारतीय एयरटेल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ 5G नेटवर्क इन इंडिया। हाँ, जियो ने, जो जियो है, इन्होंने कोलैबोरेट किया था किसके साथ? तो गूगल के साथ किया था। जियो कोलैबोरेटेड विथ गूगल फॉर द 5G टेक्नोलॉजी, राइट? चलिए नेक्स्ट है, अगला स्पोर्ट्स में है, सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 5G, 5G, 5G के लिए, जी हाँ, करेक्ट है वो। सो सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप विच टीम वॉन इट, मणिपुर ने जीता है अभी हाल ही में सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। एंड जो रनर अप था दैट वॉज इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे वॉज द रनर अप, मणिपुर वॉन इट। इट वॉज कंडक्टेड एट EMS स्टेडियम इन काचीकोडे केरला, तो केरला में इसको कंडक्ट किया गया था, मणिपुर ने जीत लिया, रेलवे जो है वो आपका रनर रहा है, बस पॉइंट खत्म हो जाता है यहां पर। रिपीट कर दूं एक बार, सीनियर वुमेन नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर वॉन इट, रेलवे वॉज द रनर अप एंड EWEMS स्टेडियम इज लोकेटेड इन काचीकोडे केरला वेयर इट वॉज कंडक्टेड। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड साइबर सिक्योरिटी स्केलिंग प्रोग्राम विद द गोल ऑफ ट्रेनिंग मोर देन 1 लाख लर्नर्स बाय 2022। 1 लाख लोगों को साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग देने के लिए स्किल प्रोग्राम जो है वो भी रिसेंटली किसने लॉन्च किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। द प्रोग्राम टू गिव स्टूडेंट हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद द सिक्योरिटी कंप्लायंस आइडेंटिटी फंडामेंटल्स, इन सब के बारे में जो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको यहाँ पर नॉलेज देना, उनको इसमें एक्सपर्ट बनाना। माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल स्किल प्रोग्राम एम टू हेल्प 25 मिलियन इंडिविजुअल टू लर्न द डिजिटल स्किल थ्रू आउट द वर्ल्ड। इन इंडिया ऑलमोस्ट 3 मिलियन इंडिविजुअल्स हैव ट्रेन्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट, ऑलरेडी दे ट्रेन्ड थ्रू दिस प्रोजेक्ट। सत्या नडेला सीईओ चेयरपर्सन है एंड वॉशिंगटन डीसी यूएसए इज द हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो ये माइक्रोसॉफ्ट की बात हो गई। टारगेट याद रखना है, बहुत अच्छे से लिख दिया यहाँ पर सुनम ने भी, कि 1 लाख यूथ को यहाँ पर क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा इन द साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी बाय 2022। ये डेटा हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट डेज,
साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन लॉन्च्ड द चार्टर डे सॉरी ऑब्जर्व चार्टर डे ऑन 8th of December. व्हाई? बिकॉज ऑन 8th of December इन 1985, 8th of December इन 1985 द फर्स्ट समिट ऑफ सार्क वॉज हेल्ड. बी सार्क क्या है फुल फॉर्म? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. मेंबर्स क्या है सर? MBBSPAIN, ये आपके मेंबर्स हैं. वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एमबीबीएस पेन? मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल. रिपीटिंग अगेन, मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल. तो ये आपके पास सारे के सारे क्या हो गए सर? इनके मेंबर्स हो गए. आफ्टर 2016 ऑनवर्ड्स देर वॉज नो मीटिंग कंडक्टेड बाय फॉर द सार्क. सार्क की मीटिंग्स पूरी तरीके से रोक दिए गए आफ्टर द अटैक ऑन आर्मी कैंप्स इन इंडिया फ्रॉम द पाकिस्तान साइड. तो उसके बाद से ये बंद है, सार्क की मीटिंग्स नहीं होते हैं. काठमांडू नेपाल इज द हेडक्वार्टर, चेयरपर्सन नेपाल ही है काफी लंबे समय से, तो नेपाल इसको अभी कंटिन्यू कर रहा है. 10th of December ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे. 10th of December जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे के फॉर्म में ऑब्जर्व किया जाता है. इन इंडिया ह्यूमन राइट्स आर डिफाइंड फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 में ह्यूमन राइट्स डिफाइन है. बट इन इंडिया वी कॉल देम फंडामेंटल राइट्स. हम इनको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स आर नथिंग बट द ह्यूमन राइट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ये बाकी देश के लिए या बाकी विश्व के लिए वो आपके ह्यूमन राइट्स हैं, हमारे लिए हम उनको फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं. थीम इज इक्वेलिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग द ह्यूमन राइट्स. तो ये आपकी यहां पर क्या रखी गई है सर? थीम रखा गया है. 10th of December को ये ऑब्जर्व होता है. चलिए एक बड़ा न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज. ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर्ड इनटू द क्रैश ऑफ IAF इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर कैरिंग द CDS. इट वॉज द स्टेटमेंट गिवन बाय राजनाथ सिंह. विपिन रावत जी, जनरल विपिन रावत सर, हु हैज डाइड रिसेंटली इन द एक्सीडेंट, उनके लिए एक कमेटी बनाया गया है. उनके इस एक्सीडेंट के लिए कमेटी बनाया गया है एंड दैट कमेटी विल बी लेड बाय एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह. तो नाम याद कर ले, एयर मार्शल मनवेंद्र सिंह जो है ये हेड बनाए गए हैं कमेटी के जो इन्वेस्टिगेट करेगी इस एक्सीडेंट को. इनइक्वेलिटी इंडेक्स में इंडिया लास्ट. जी वो न्यूज आज मैंने लिया नहीं है अरविंद, मंडे को डिस्कस करेंगे. चलिए भाई, उत्तर प्रदेश वाले थोड़े से और जाग जाएं. देखिएगा, यूपी रिकॉर्ड मोस्ट ह्यूमन राइट वायोलेशन केसेस इन द कंट्री इन थर्ड ईयर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. तो जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उन्होंने डेटा दिया है दैट थर्ड ईयर इन अ रो मैक्सिमम ह्यूमन राइट वायोलेशंस हैज बीन डन इन विच प्लेस. तो आंसर बन गया आपका इजीली यूपी. यूपी में आंसर, यूपी में हुए सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट वायोलेशन. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन है जस्टिस A.K. मिश्रा सर. द टोटल वायोलेशन लॉग्ड बाय NHRC रिड्यूस्ड फ्रॉम 76,000 टू 74,000 2021. लास्ट ईयर से अप्रॉक्सिमेटली 2,200 केसेस डिक्रीज हुए हैं ह्यूमन राइट वायोलेशंस के. बट यूपी इसमें टॉप पर है. ठीक है, टॉप मतलब अच्छी बात नहीं है. हाँ, विन डीजल मत लिखो यार, योगी जी हैं, ऐसा मत करो. चलो, बुक्स एंड ऑथर्स, लास्ट न्यूज ले रहा हूं आज का. एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एट द होम इन द यूनिवर्स बाय बाला कृष्णन माथुर रिलीज रिसेंटली एंड इट वॉज रिलीज बाय RC सिन्हा, रिटायर्ड IAS ऑफिसर. एंड दिस बुक इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी एनवायरमेंट ऑफ 1990s 1980s ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर इन इंडिया. तो इसके ऊपर लिखी गई बुक है. बुक इज ऑथर्ड बाय बालाकृष्ण माथुर सर, BK माथुर सर, फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ DHFL प्रॉपर्टी सर्विसेज लिमिटेड. तो इन्होंने बहुत डिटेल में इस चीज को समझा हुआ है कि कैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ने काम किया, जो आपका हाउसिंग सेक्टर था, हाउ इट वर्क्ड, हाउ इट गॉट ग्रोथ सडनली, सो सडन फ्यूचर ग्रोथ
हाउ दिस सेक्टर हैज गॉट इन द पास्ट 20 ईयर्स। तो इसके बारे में ये पूरी की पूरी बुक आपके सामने लिखी गई है। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही। अब आज कोई फ्री सेशन नहीं है आपका, नॉट टुडे नॉट टुमारो, बट आई विल बी गिविंग वन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन SBI CBO सर्कल बेस्ड ऑफिसर के ऊपर, दैट डिटेल हाउ टू अप्लाई, हु हैज टू अप्लाई, व्हाट इज द सिलेबस, जीए का क्या इंपॉर्टेंट रोल होगा, एंड आफ्टर दैट व्हाट टू स्टडी लास्ट टाइम, व्हाट केम इन एग्जामिनेशन। तो एक फुल वीडियो, एक वीडियो जिसमें आपके पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे सीबीओ से रिलेटेड, ठीक है। SBI PO एंड CBO में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बता दूंगा। चलिए तो मिलूंगा अब आपसे उस वीडियो में, कोशिश करूंगा कि आपको शाम तक आज वो वीडियो दे दूंगा। टिल द टाइम गाइस कीप वॉचिंग ऑल अ बोर्ड। जय।